मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इनमें 177 नामों का ऐलान किया गया है। इनमें 3 मंत्रियों समेत 34 विधायकों के टिकट काटे गए। वहीं कुछ ऐसे नेताओं को भी टिकट दिया गया है जो पिछली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से लड़े थे, फिर भी हार गए थे। इस सूची में बीजेपी ने 2 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो मौजूदा सांसद हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, 177 उम्मीदवारों की घोषणा, 37 विधायकों की टिकट कटे, 3 मंत्रियों के टिकट कटे, 2 मंत्रियों के बेटे को टिकट। जी हां, करीब 1 दर्जन सर्वे और कई दौर की माथापच्ची के बाद बीजेपी ने आखिरकार प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। बीजेपी की पहली सूची को देखा जाए तो इसकी प्रमुख बातें हैं, 37 विधायकों के टिकट कटे, 3 मंत्रियों के टिकट कटे, 0.5 दर्जन महिला विधायकों को टिकट नहीं, 22 हारे हुए चेहरों पर फिर दाव खेला, 16 महिलाओं को दिया टिकट, 3 निर्दलीय विधायकों को बीजेपी से टिकट, इंदौर की किसी सीट की खोज न रही, बाबूलाल गौर की सीट पर अभी घोषणा नहीं, ग्वालियर पूर्व से माया सिंह का टिकट कटा, माया सिंह की जगह सतीश सिकरवार को टिकट, मंत्री हर्ष सिंह के बेटे को टिकट दिया, मंत्री गौरी शंकर शेजवार के बेटे को टिकट दिया, व्यापम घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत के भाई उमाकांत को टिकट, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से प्रत्याशी, देवास शाजापुर से सांसद मनोहर ऊंटवाल को आगर से टिकट, आरडी प्रजापति का चंदला से टिकट काट कर उनके बेटे को टिकट, ललिता यादव छतरपुर की जगह मलहरा से प्रत्याशी। कुल मिलाकर सत्ता का चौका मारने के लिए बीजेपी ने अपना पहला दांव खेल दिया है। पार्टी का दावा है कि जीतने वालों को ही प्रत्याशी बनाया गया है। अब गेंद जनता के पाले में है, ये जनता को तय करना है कि विकास की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।